कंट्रोल करने के मामलों में, तो आज भी इसी सिलसिले में हम जैसे गए थे अधीक्षक साहब की हिदायत पे ही गए थे, तो वो बेसिक मकसद था हमारा कि कोविड फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको सप्लीमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे इंदौर स्टेडियम में गए, वहाँ 120 बेड थे हमारे हैं, तो वो सेटअप करने में, उनको ऑक्सीजन बैकअप देने में वो तैयारियां वहां पे वो शुरुआत होगी। उसके साथ साथ जैसे भी मेरे ख्याल हमारा श्रीनगर है, वहां भी 120 के आसपास हमारी बेड कैपेसिटी है, वहां पे उनको ऑक्सीजन लगवाना और बाकी तैयारियां। उसके साथ श्रीनगर में जो हॉस्पिटल हमारा छोटा मोटा वो भी कोविड फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम हज हाउस में जो पहले वक्त में भी फैसिलिटी हमारी थी वो भी 100-125 आसपास के कैपेसिटी के बेड थे, वहां पर लगवा दिए वो। तो उसमें से हम साथ एससी बाकी जो डिपार्टमेंट थे, म्यूनसिपैलिटी है, वो सब लोग साथ हमारे थे। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना जो रोल है इसमें निभाएगा और ये फैसिलिटी जो है उसके बाद जैसे मैं अभी बताऊंगा, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डोकरा कैंपस है, 300 बेड की कैपेसिटी है, उसको एक्टिवेट कराना। तो उसी के साथ एनआईटी में हमारे 300 के बेड की कैपेसिटी है, अराउंड 1200-1300 के बेड कैपेसिटी के जो हमारी सपोर्टिंग ये रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर।